दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर में बहुत सारा फोल्डर एक साथ कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको अपने कंप्यूटर में अपने सभी फाइल्स को सिस्टमेटिक करना हो, उसको ऑर्गेनाइज करके रखना हो ताकि वो आपका फाइल फ्यूचर में कभी भी आसानी से मिल जाए, तो उसके लिए अगर आपको अपने कंप्यूटर में बहुत सारा फोल्डर क्रिएट करना पड़े और फोल्डर क्रिएट करने के लिए अगर आप मैन्युअली फोल्डर क्रिएट करते हैं, यानी कि वही पुराना तरीका आप अपनाते हैं राइट माउस क्लिक करके या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन प्रेस करके, तो दोस्तों ये एक तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस ये बहुत ही बोरिंग है, इसमें आपका बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। मान लीजिए दोस्तों अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या फिर ऑफिस में हैं, अगर आपको अपने सभी इम्प्लॉय के नाम से अलग अलग फोल्डर क्रिएट करना है या फिर सभी स्टूडेंट के नाम से अलग अलग फोल्डर क्रिएट करना है, अलग अलग दिन के नाम से, महीने के नाम से या फिर साल के नाम से आपको अलग अलग फोल्डर क्रिएट करना है, और आप अगर ये काम मैन्युअली करते हैं फिर इसमें बहुत ही ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये काम दोस्तों आप सिर्फ एक कमांड की मदद से कर सकते हैं। आपको कमांड प्रॉम्प्ट में सिर्फ एक कमांड डालना है और आप जितना भी फोल्डर क्रिएट करना चाहें अपने कंप्यूटर में, एक साथ वो सारा फोल्डर आपके कंप्यूटर में बहुत ही आसानी से क्रिएट हो जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे एक कमांड डालना है। तो ये जानने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए आप इसको लाइक करना, इसको शेयर करना। अगर दोस्तों ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पे नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों अपने कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारा फोल्डर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है और इसमें आपको यहाँ पे टाइप करना है सीएमडी। ऊपर यहाँ पे देखिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिख जाएगा, आपको यहाँ पे दोस्तों कमांड प्रॉम्प्ट को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। उसके लिए जब आप यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे राइट माउस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको पहला ही ऑप्शन मिलेगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। आपको इस पे क्लिक करना है और कमांड प्रॉम्प्ट को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाने के बाद से दोस्तों अब आपको यहाँ पे सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट के डायरेक्टरी को चेंज करना है। अभी आप यहाँ पे देखिए कमांड प्रॉम्प्ट का डायरेक्टरी शो कर रहा है विंडोज के अंदर सिस्टम 32 का फोल्डर। अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट कमांड डाल देता हूँ फोल्डर क्रिएट करने के लिए, तो वो सारा फोल्डर जाकर क्रिएट हो जाएगा सिस्टम 32 फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे आपको सभी फोल्डर को अपने कंप्यूटर के जिस भी लोकेशन पे क्रिएट करना है उस डायरेक्टरी को आपको यहाँ पे सेट करना है। जैसे अगर आपको सभी फोल्डर्स को डेस्कटॉप पे क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे डायरेक्टरी को सेट करेंगे, या फिर अपने कंप्यूटर के अंदर जिस भी ड्राइव के अंदर आपको सभी फोल्डर्स को क्रिएट करना है, कहीं भी क्रिएट करना है, उस डायरेक्टरी को आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर सेट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स के अंदर सभी फोल्डर्स को क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पे मुझे सेट करना है डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी। तो यहाँ पे दोस्तों डायरेक्टरी चेंज करने के लिए आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक कमांड डालना है। आपको यहाँ पे लिखना है सीडी स्पेस देना है, सी लिखना है, कॉलम देना है और बैक स्लैश देना है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है यूजर्स, फिर से बैक स्लैश देना है, और अब आपको यहाँ पे अपने यूजर नेम को डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा यूजर नेम है, मैं सी ड्राइव को ओपन किया, यूजर्स के अंदर गया, मेरा यहाँ पे यूजर नेम है टेक्निकल ग्राम, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेक्निकल ग्राम। आपका जो भी यूजर नेम होगा आप वो यूजर नेम यहाँ पे डालेंगे। फिर से आपको यहाँ पे बैक स्लैश डालना है। अब आपको यहाँ पे उस लोकेशन का नाम डालना है। तो मुझे अपने सभी फोल्डर्स को क्रिएट करना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख दिया। अगर मुझे डेस्कटॉप पे क्रिएट करना होता तो डेस्कटॉप यहाँ पे लिखता, ड्राइव के अंदर करना होता, फोल्डर के अंदर करना होता तो वो यहाँ पे मैं लिखता। ये पाथ लिखने के बाद से अब आपको यहाँ पे सिंपल इंटर कर देना है। देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज हो गया, डायरेक्टरी हो गया डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सिर्फ एक कमांड डालना है, और सिर्फ एक कमांड डालने के बाद से यहाँ पे जितना भी फोल्डर आप चाहते हैं क्रिएट करना उतना फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं। कमांड यहाँ पे दोस्तों डालना है आपको, आपको लिखना है यहाँ पे एमडी लिख के आपको स्पेस देना है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपको हर दिन के नाम से अलग अलग फोल्डर एक साथ क्रिएट करना है, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, या फिर हर महीने के नाम से, वैसे अगर आप स्कूल कॉलेज या फिर ऑफिस में हर इम्प्लॉय के नाम से अगर आपको अलग अलग फोल्डर क्रिएट करना है तो हर इम्प्लॉय का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने लिख देता हूँ मंडे,
ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। वैसे ही हर इंप्लॉई का नाम आपको लिखना है। यहां पे देखिए मंडे एक फोल्डर हो गया, स्पेस देना है, ट्यूजडे एक फोल्डर हो गया, हर नाम के बाद से स्पेस रहेगा। ऐसे ही आपको लिखते चले जाना है, जितना भी नाम है आपका, जिस भी नाम से फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, 20 है, 50 है, 100 है, 500 है, 1000 है, जितना भी है वो स्पेस दे करके आपको लिखते चले जाना है। सब लिख लेने के बाद से अब आपको सिंपल यहाँ पे इंटर करना है और आप देखेंगे वो सारा फोल्डर एक ही साथ उस लोकेशन पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट के अंदर मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सारा फोल्डर यहाँ पे एक साथ क्रिएट हो गया। तो ऐसे दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अपने कंप्यूटर में एक साथ जितना भी फोल्डर क्रिएट करना चाहें उतना कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।